नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनिदेव का कुंभ राशि में वक्री गोचर, शनिदेव की कुंभ राशि में उल्टी चाल मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का कुंभ राशि में वक्री गोचर क्या एडवांटेज लेकर आएगा और क्या डिसएडवांटेज लेकर आने वाला है, ये आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। गोचर फलादेश शुरू करने से पहले गोचर के ट्रांजिट की डेट और टाइम यहाँ पर हम आप सभी से शेयर कर देते हैं। आप सभी जानते हैं फिलहाल अभी शनिदेव जो है वो ढाई वर्षों से कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इस वर्ष 2024 में शनिदेव का अब कुंभ राशि में वक्रत्व काल का जो गोचर है वो अंतिम गोचर रहेगा। यानी कि अब जब शनिदेव वक्री होंगे कुंभ राशि में वो 30 वर्षों बाद होने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वर्ष 2024 में जो है शनिदेव का जो वक्री काल रहेगा कुंभ राशि में वो कब होने वाला है, इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। शनिदेव जो है वो 30 जून 2024 को रविवार को रात 1 बजे शनिदेव जो है वो कुंभ राशि में वक्री अवस्था का गोचर करना शुरू करेंगे। शनिदेव जो है यहाँ पर लगभग 139 दिन तक रहेंगे और शनि यहाँ पर जो है 15 नवंबर 2024 तक रहेंगे। यहाँ पर शनिदेव का ये पूरा गुण गोचर काल जो है वो 139 दिन तक रहेगा और शनि अब जब वापस जो है इस गोचर काल के बाद जब वापस कुंभ राशि में वक्री होंगे, ध्यान रखिएगा कुंभ राशि में जो वक्री होंगे वो अगले 30 वर्षों बाद होंगे, जब पुनः शनि जो है वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे 30 वर्षों बाद। तो ये अंतिम शनिदेव का वक्री गोचर रहने वाला है कुंभ राशि में। ये मेष राशि के मेरे भाई बहनों के लिए कैसा रहेगा इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि गोचरी स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में कब आपको अच्छे से व्यापार चलेगा, कौन सा व्यापार करना अच्छा सूटेबल रहेगा, या फिर आपके लिए नौकरी कौन सी अच्छी रहेगी, नौकरी में पदोन्नति कब मिलेगी, कब आपको आपके जीवन में आपके कार्यक्षेत्र की मजबूती प्रदान होगी, या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपका संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, कब आपके जीवन में वाहन सुख आएगा, कब मकान का सुख आएगा, कब आपके जीवन में जो है आपको यूँ समझ लीजिए कि कर्ज मुक्ति मिलेगी या फिर आपको बीमारी से मुक्ति मिलेगी। इस तरीके के अगर आपके जीवन में बहुत सारे सवाल है, आप कंफ्यूज है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे अवश्य करवाइएगा। यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर काल। देखिए शनिदेव का अगर कुंभ राशि में वक्री गोचर काल की बात करी जाए तो शनिदेव सबसे पहले देखेंगे मेष राशि के जातकों के लिए किन किन भावों का स्वामित्व रखते हैं। सबसे पहले शनिदेव जो है मेष राशि वाले जातकों के लिए कर्म स्थान का स्वामित्व रखते हैं और आपकी आय स्थान का स्वामित्व रखते हैं। शनि ढाई वर्षों से आपके आय स्थान में विराजमान है और शनि का ये ढाई वर्षों का जो गोचर काल है मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी इनकम सोर्स रिलेटेड मेहनत भरा रहा होगा, थोड़े पेट संबंधी रोग भी आए होंगे, संतान संबंधी समस्याएं भी आई होगी, यहाँ पर आपको खुद से हेल्थ इश्यू भी क्रिएट होते हुए नजर आए होंगे, कन्फ्यूजन वाली स्थिति आपके लिए क्रिएट होती हुई नजर आई होगी, या आपको ऐसा लगा होगा कि आपके लिए अब जो समय है थोड़ा दुर्घटना भरा चल रहा है, छोटी मोटी परेशानियाँ आती जाती है, कहीं एक्सीडेंटल वगैरह रोग बने होंगे, या कुन लोगों के लिए तो ये जो समय है शनिदेव के गोचर काल का वो बहुत अच्छा रहा होगा। किन्हीं लोगों को गुप्त धन की प्राप्तियाँ हुई होगी, किन लोगों को मकान की प्राप्तियाँ शनिदेव ने करवाई होगी, किनको संतान की प्राप्तियाँ भी शनिदेव ने मेष राशि वाले जातकों को करवाई होगी, आय बहुत अच्छी दे दी होगी, करोड़पति तक बना दिया होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो शनि के इस प्रभाव 11th हाउस के कारण आपको प्राप्त हो रही थी, सारी इच्छाओं की पूर्तियाँ होना। अब यहाँ पर शनिदेव जो है वो 30 जून को हो जाएंगे वक्री। जिन चीज़ों को आपको शनिदेव ने प्रदान किया है यानी कि जो जो चीज़ें शनिदेव की कृपा से आपको मिली है उन सब का लेखा जोखा इन ढाई वर्षों का अब आपके लिए होने वाला है। इन पूरे ढाई वर्षों के लिए शनिदेव ने जो जो आपको दिया था, जो जो आपसे लिया था या अब जो लेना बाकी रहा है, सारी चीज़ें जो है वो इन ढाई वर्षों का लेखा जोखा इस वक्रत्व काल में शनिदेव लेंगे और देंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मेष राशि के लिए शनिदेव जो इनके 11वें घर में विराजमान है, शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, ये अपने से
तीसरे सातवें दसवें घर को प्रभावित करते हैं। शनि की पहली दृष्टि यानी कि तीसरी दृष्टि जो है वो पहले घर पर जाएगी, सप्तम दृष्टि पंचम स्थान पर जा रही है, संतान के घर पर, विवाह के घर पर, लव लाइफ के घर पर, आपकी यूं समझे प्रेम जीवन के घर पर, आपकी विद्या के सुख के घर पर, और इनकी दशम दृष्टि आपके ऑब्स्टिकल्स अष्टम स्थान पर जा रही है। अष्टम स्थान पर शनि की अपनी दशम दृष्टि है। ये तीन दृष्टियां जिन घरों पर जा रही है वो घर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। शनिदेव आपके 11वें घर में विराजमान है और यहाँ पर वक्रत्व स्थितियों में आए हुए हैं। पहले तो एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि शनि का ये वक्रीकाल जो रहेगा इनकम सोर्स से रिलेटेड कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें लेकर आने वाला है। पैसा कहीं ना कहीं आपके लिए बढ़ने वाला है, आय बढ़ने वाली आपके लिए रहेगी। वहीं अगर इच्छाओं की पूर्ति की बात की जाए तो इच्छाओं की पूर्ति भी होने का योग बनेगा। हमारे विद्यार्थी भाई बहनों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा ये 139 दिन वाला। एजुकेशन लाइन में आपके लिए काफ़ी आपको सपोर्टिंग स्थितियां बनती हुई नज़र आने वाली है। कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन भी यहाँ पर शनिदेव की स्थितियाँ प्रदान कर सकती है। अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर मुझे बनती हुई मेरे स्टूडेंट भाई बहनों के लिए बन रही है। लव लाइफ से रिलेटेड जुड़े हुए लोगों के लिए कहना चाहूँगा अच्छा समय नहीं रहेगा। शनि आपको आपके पार्टनर के साथ का मोह भंग करवाएगा। हो सकता है आपको नया पार्टनर ढूंढना पड़े जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ रिश्ता आपका अच्छा नहीं रह सकता है। पेट संबंधी रोग छोटे मोटे शनि की स्थितियाँ यहाँ पर प्रदान करने वाली है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और शनिदेव का यहाँ पर सप्तम दृष्टि से पंचम स्थान को प्रभावित करना आपकी संतान से रिलेटेड भी समस्याएं क्रिएट करेगा। हो सकता है संतान को स्वास्थ्य की समस्याएं दे दे, हो सकता है संतान प्राप्ति में विलंब भी हो जाए, इस तरीके की स्थिति आपको बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। शनिदेव का यहाँ पर 11th हाउस में विराजमान होकर अपनी दशम दृष्टि से अष्टम स्थान को देखना, ऑब्स्टिकल्स वगैरह भी छोटे मोटे आपके जीवन में आते रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं परेशानी अपने ऑब्स्टिकल्स से मिलती हुई रहेगी। कहीं ना कहीं आपके बनते हुए काम आपको जो बिगड़ रहे थे अब बनते हुए शुरू मिलेंगे आपको। आपको लगेगा कि अब आपके काम चुटकियों में बन रहे हैं। यहाँ पर 139 दिन तक शनि आपके अंदर एक समझ लीजिए कि एनर्जी ऐसी डाल देंगे जिसकी वजह से जो काम डिले हो रहे थे, जिन कामों को करने में आपको काफ़ी समस्याएं को सामना करना पड़ रहा था, वो सारे काम चुटकियों में आपको होते हुए नजर आएंगे और उसमें आपको बेनिफिट भी मिल सकते हैं। शनि की स्थिति आपके लिए ये समझ लीजिए कि एक सपोर्टिंग पिलर का काम करने वाली है, या ये समझ लीजिए कि शनि की स्थिति जो रहेगी वक्रत्व काल वाली जो अंतिम गोचर काल में चल रही है वो आपके लिए बूस्टर डोज का काम भी कर सकती है। काफी अच्छी स्थिति रहने वाली है मेरे मेष राशि के भाई बहनों के लिए। आप ये समझ लीजिए कि शनिदेव जो है लगभग 30 मार्च को शायद इनका ये मीन राशि में गोचर होगा, तब तक तो आपके लिए फायदेमंद अच्छी स्थिति ही लाने वाले हैं। शनि का यह गोचर काल आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। वक्र हो या मार्गी गोचर काल हो, सब तरीके से आपके लिए फायदेमंद चीजें लेकर आने वाला है। हर तरीके से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल स्थितियां ही बनती हुई नजर आएगी। और अगर देखा जाए तो मेरे मेष राशि के भाई बहनों के लिए शनि का गोचर काल बहुत अच्छा रहा है। आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी बना देंगे शनिदेव की, आपको हर निर्णय लेने में ये समझ लीजिए कि लोग पूछ कर काम करेंगे। शनिदेव की स्थिति आपको काफ़ी हद तक मैच्योरिटी प्रदान कर देगी जिसकी वजह से लोगों के सामने आपका बहुत ज़्यादा मान सम्मान बनता हुआ रहेगा। शनि का यहाँ पर वक्रत्व काल में रहना आपके लिए इनकम सोर्स भी बढ़ाने का बहुत अच्छा जरिया देगा। नए आपके पास काम आएंगे या ऑर्डर ऐसे आ सकते हैं आपके बिजनेस में, हो सकता है या जॉब में आपको कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जिससे आपका नाम और फेम दोनों ही सिद्ध हो सकते हैं। यानी कि आपको विख्यात करने का काम अब ये शनि की स्थितियां करने वाली है। इन 139 दिनों में कहीं ना कहीं मेरे मेष राशि के भाई बहनों के लिए बहुत अच्छी स्थितियां निर्मित होती नजर आएगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि शनि का यह वक्रत्व काल का कुंभ राशि में जो गोचर काल है शनिदेव का वो अब आएगा वापस 30 साल बाद, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा जो निर्णय आप लेना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से लीजिएगा क्योंकि 30 वर्षों बाद शनि वापस इस राशि में घूम कर आने वाले हैं। तो वो 30 वर्षों का समय बहुत लंबा होगा, 3 दशक का समय होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको मेष राशि के मेरे भाई बहनों से एक चीज़ आवश्यक रूप से कहना चाहूँगा, आपके लिए एक सुझाव है कि आपके शनि की 7.5 लगभग मार्च महीने में शुरू हो जाएगी 2025 में 30 मार्च के आसपास, 29 या 30 मार्च मेरे को पूरी डेट याद नहीं है, लेकिन हाँ 29 और 30 मार्च के आसपास शनिदेव जो है वो मीन राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। मेष राशि से 12वें स्थान में शनिदेव का 2.5 वर्षों से गोचर होगा शुरू और यहाँ पर आपके ऊपर मेरे मेष राशि के भाई बहनों के ऊपर शनिदेव की 7.5 साल की जो 7.5 होती है
ढाई ढाई साल की 3 साढ़े 7 या होती है वो पूरी आपके ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, इसके लिए आप ध्यान रखिएगा और उसका इंतज़ार करिएगा। आपके लिए बहुत जल्द ही मैं आपके लिए पूरे प्रेडिक्शन यानी कि 2025 से लेकर 2032 तक आपके लिए कैसा समय रहेगा, किस तरीके से शनिदेव आपको प्रभावित करेंगे, किस तरीके से आपके जीवन में अच्छी बुरी चीज़ें लेकर आएंगे, ये सारी चीज़ें मैं शनिदेव की आपके लिए लेकर आऊँगा। तो उस वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि शनिदेव का कुंभ राशि में वक्री गोचर मेरे मेष राशि के भाई बहनों के लिए कैसा रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अब के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।